एजेकेल अध्याय 20 परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य की अवज्ञा। सातवें वर्ष के पांचवें महीने के दसवें दिन को इज़राइल के कितने पुरनिय यहवा से प्रसन्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइली पुरनियों से यह कह, प्रभु यहवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रसन्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध तुम मुझसे प्रसन्न करने न पाओगे। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उसका न्याय न करेगा? क्या तू उनका न्याय न करेगा? उसके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इज़राइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएँ बहती है। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आँख लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों में से अपने को अशुद्ध न करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी न चाही। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी उनको किसी ने फेंका नहीं और न मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यही मिस्र देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊँगा और पूरा कोप दिखाऊँगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया जिनके बीच में वे थे और जिनके देखते हुए मैंने उसको मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र न ठहरे। मैं उसको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहाँ उनको मैंने अपनी विधियाँ बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इज़राइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया, वे मेरी विधियों पर न चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उसके कारण जीवित रहेगा, और उन्होंने मेरे विश्राम दिनों को अति अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने जिनके देखते मैं उनको निकाल लाया था अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि जो दो देश मैंने उनको दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसमें उन्हें न पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर न चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट न किया और न जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उनके संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर न चलो, न उनकी रीतियों को मानो और न उनकी मूर्तें पूजकर अपने को अशुद्ध करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों के मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे, जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु उनकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया, वे मेरी विधियों पर न चले, न मेरे नियमों के मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उसके कारण जीवित रहेगा, मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखा लाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि उन जातियों के सामने जिनके देखते हुए मैं उन्हें निकाल लाया था वे अपवित्र न ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति में तितर बितर करूँगा और देश देश में चित्रा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम न माने, मेरे विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की और उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी न थी और ऐसी ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित न रह सके।
अर्थात वे अपने सब पहलौठों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हें उन्हीं की भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया जिससे उन्हें निर्वस कर डालूं और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तो वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि चढ़ाने लगे और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंटे चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य दिलाने लगे और वहीं अपने तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रायोजन है? इसी से उसका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंटे चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके आग में चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इज़राइल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने न पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह किसी भांति पूरी नहीं होने की। परमेश्वर दंड देता और क्षमा भी करता है। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा, और मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों से जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में से मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब द्रोहियों को निकाल कर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इज़राइल के देशों में घूमने नहीं दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हे इज़राइल के घराने, तुमसे तो प्रभु यहोवा यूं कहता है, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी न सुनोगे तो आगे को भी यही किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंटों और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र न करना, क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि इज़राइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा। वही मैं उनसे प्रसन्न हूँगा और वही मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंटे और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारी सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूँगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूँ और उन देशों में से जिसमें तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूँ, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूँगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराया जाऊँगा। जब मैं तुम्हें इज़राइल के देश में पहुँचाऊँ जिसकी देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजाओं से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। वह तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिनके करने से तुम अशुद्ध हो गए हो स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौनी ठहरोगे। हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूं, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। दक्षिण में आग। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर, दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर, और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझमें आग लगाऊंगा और तुझमें क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी, उसकी धधकती ज्वाला न बुझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख
झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूख पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है।